सड़क सिर्फ एक नाम नहीं है, सड़क का अर्थ है तरक्की। तरक्की गांव की, तरक्की किसान की, तरक्की विद्यार्थी की, तरक्की समाज की, तरक्की पूरे क्षेत्र की, तरक्की पूरे प्रदेश की, तरक्की पूरे देश की। तरक्की हर जगह पहुंच सके, इसलिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए दिन रात जुटी है भजनलाल सरकार। आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कुशल नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश के सड़क विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 2 नए गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर दिन औसतन 33 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इस गति को बल मिल रहा है डबल इंजन की सरकार से और विकास की ओर बढ़ रहा है प्रदेश। वर्तमान डबल इंजन सरकार द्वारा पहले 100 दिन में 1115 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। अच्छी और सुगम सड़कें तेज विकास का आधार है और प्रदेश के सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अल्प अवधि में ही 2331 करोड़ रुपए की लागत से 2983 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास कार्य करवाया जा चुका है, जिसमें 646 करोड़ रुपए व्यय कर 1115 किलोमीटर की नई और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 599 करोड़ रुपए का व्यय कर 350 किलोमीटर राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों का विकास, 657 करोड़ रुपए का व्यय कर 1461 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास, 1397 करोड़ की लागत से 1349 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए कुल 2001 नवीन कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से 3219 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। CRIF योजना के तहत नवीन 5 आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। संवेदकों के पंजीकरण और नवीनीकरण की सरल प्रक्रिया 1 मार्च 2024 से ऑनलाइन। साथ ही दुर्घटना की आकांक्षा वाले 27 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया। प्रदेश की 64 टोल सड़कों के 131 टोल प्लाजाओं पर फास्टैग सुविधा देने का कार्य प्रगति पर, ताकि राजस्थान की तरक्की की नई राहें खुल सकें। प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश को देश के बड़े व्यवसायिक शहरों तक सीधी एवं त्वरित कनेक्टिविटी से प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान के तेज विकास के लिए संकल्पित डबल इंजन की सरकार संकल्प को साकार कर रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग।